हेलो हेलो हेलो, अब देखो आवाज़ आ रही क्या? बताओ मुझे, कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ओके, यस यस, प्लीज़ बताओ एक बार, आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे बताओ एक बार, आ रही है? आ रही है? साफ आ रही है आवाज़? प्लीज़ टेल मी, साफ आ रही है आवाज़? आवाज़ साफ है, प्लीज़ मुझे बताना एक बार, आवाज साफ है? टेक्निकल टीम, ओके। ओह थैंक गॉड, आ रही है। कौन आ रही है? कभी कभार बताओ, बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी बातें भी हो जाती हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। शुरू में इतना कुछ बोल गया मैं तो, टाइम वेस्ट हो गया टैलेंट भी वेस्ट हो गया। तो मैं ये कह रहा था, तो अर्ज किया है, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं, तो आ जा ना जा बेवफा, ना 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 ने ना 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 ने ना 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 ना। चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं, मास्टर जी के डायरेक्ट टिक मार्क लगाते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, आपको बोर्ड एग्जाम में क्या पढ़ना है। देखो मेरी बात को समझो थोड़ा, होता क्या है, आप लोगों को पता है कि जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम आए, ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम आए, अब होता क्या है कि सोल्यूशन चैप्टर हमने किया नहीं, तो हमको ऐसे लगता है कि यार सोल्यूशन चैप्टर में क्या ही पढ़े, इतना बड़ा चैप्टर है, अगर मास्टर जी होते तो हमें निशान लगवा देते। सही बात है कि नहीं? तो आज तुम्हारे मास्टर जी तुम्हारे सामने है और तुम्हें निशान लगा के बताएंगे कि क्या चीज तुम्हें पढ़नी है और क्या चीज तुम्हें नहीं पढ़नी। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज यस क्या करने वाले हैं? मास्टर जी के डायरेक्ट निशान, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, ये कर लो बस हो जाएगा, ठीक है। सो समझो हो ही गया, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं सेशन को। लेकिन उससे पहले लेट मी चेक कि कौन है आज का सबसे खूबसूरत चेहरा, है ना? तो आज का सबसे खूबसूरत चेहरे को भी चेक करते हैं, जरा जरा देखें आज कौन कौन है। आज क्या है, मैं बाल बाल खड़े हैं क्या मेरे, है ना? बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, नहीं पता नहीं क्या हो रहा आज। चलो तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं, देख लो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, मेरी चोटी निकल गई आज। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज लाइक कर देना सेशन को, ठीक है? लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है? सो डू लाइक द सेशन। आज मैं इतना थक गया था कि मैं ना अभी सो गया, सच बता रहा हूँ, और मैं सो गया। और उसके बाद तुम्हें पता है कि सोने के बाद, बायो के बच्चे जानते हैं कि क्या होता है, सोने के बाद तुम्हारे बाल इधर के उधर उधर के इधर हो जाते हैं, तो आगे से तो मैंने ठीक कर लिए पानी वानी लगा के, पीछे से चोटी निकल रही है नहीं तो मेरे बाल एक्चुअली सो गए सारे, तो ठीक है माइंड मत करना, आज सर जी की चोटी निकली हुई है, ठीक है? चलो आज देखिए सबसे पहले तो खूबसूरत चेहरा कौन है, तो लेट्स सी कि सबसे खूबसूरत चेहरा कौन है, लेट्स सी। चलो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ आज चैट सेक्शन में सबसे खूबसूरत कौन है। लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुमने लाइक कर दिया क्या? बड़े गंदे लोग हो यार, तुम लोग लाइक ही नहीं करते हो, कैसी जनता है यार इंडिया की नहीं? सो डू लाइक दिस सेशन बच्चों, जिसका दिल बड़ा होता है ना लाइक वही करता है, लाइक दिस सेशन राइट नाउ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब जो होने वाला है वो यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको, यहीं पे मिलेगा आप लोगों को। चैट सेक्शन में जरा चेक करते हैं कौन है सबसे खूबसूरत चेहरा, आज कौन मस्त बन गया है एकदम, देखें तो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे आराम से। ये है शाजिया शोल, अमेजिंग। उसके बाद सार्थक, उसके बाद शुभांश, और ये कौन है, सुधांशु, स्वीट स्वीट पॉइजन। हाँ क्या बात है, स्वीट पॉइजन, चलो ठीक है। और कौन बन क्या है, और भी चैट है कि नहीं है, चैट्स है कि नहीं है? ये रहे देख, दो तीन और खूबसूरत चेहरे हैं यहाँ पर, तो अमेजिंग। ये देखो जुड़वा भाई, ओहो कॉल मी सेनोरिटा, वी हैव इंटरनेशनल ऑडियंस विद अस फ्रॉम रशिया, वी हैव सेनोरिटा। न तू समझा, कौन सा गाना था ना, मैं जाना तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, जो भी था।
तो फाइनली बहुत सारे बच्चे हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस यार, यू आर रियली अमेजिंग। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि तुम बहुत ही खूबसूरत दिखते हो, इसलिए अपनी फोटो लगाया करो, है ना। सो दैट्स रियली अमेजिंग और बहुत बढ़िया। ये देखो कई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फोटो लगा रखी है, ये देखो क्या बात है। एक और देखा था तभी, कौन है जरा देखें, ये सुषमा ने फोटो लगाई लेकिन ब्लर है, थोड़ी दिख नहीं रही है। अमन त्रिपाठी से लग रहा है जैसे चारपाई पे आराम कर रहा, ठीक है। ममता ने फोटो लगाई नहीं है। और ये देखो ये कौन है, शालिनी कियू, ये तो किसी चाइनीज हीरोइन की फोटो लग रही है। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार, तुम लोग सब फोटो लगा के आए हो, दैट्स रियली अमेजिंग। सो कैसे चल रहा है तुम लोगों का? बढ़िया। आज तो हमारे HRD मिनिस्टर आए और उन्होंने 1.5 घंटा खराब किया नहीं, हमारे MHRD मिनिस्टर आए और उन्होंने टोटल 1.5 घंटा खराब किया। और 1.5 घंटे खराब करने के बाद 1 मिनट की पते की बात बोली, और वो हमने आपको बता ही दिया था कि पते की बात क्या थी, किस किस ने 1.5 घंटा खराब किया, सच बताना। तो ठीक है, सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात बोल रहा हूँ, मतलब कोई कैसे इतना कर सकता, और फिर भी देखो मजबूरी में हमें देखना भी पड़ता है नहीं, मजबूरी में बैठ के देखना भी पड़ता है। ओहो तानिया, अच्छा एक तो 2-3 फोटो तो काफी अच्छी लगा रखी है। चिनिमा त्रिपाठी इज बैक, हमारा चिकना चमेला इज ऑल्सो बैक, एंड 2-3 फोटो देखो, शिफा और कौन है, तानिया। देखो तानिया जो नाम होता है ना, बेसिकली तानिया सक्सेना, दिस इज तानिया सक्सेना, पता नहीं नई है पुरानी है, बट तानिया नाम से मेरा बड़ा वो है, क्या बोलते हैं उसे, जुड़ाव, वी कैन से, वी डोंट से, वी कैन, वी कांट से लगाव, बट देर इज अ जुड़ाव। सो इन एनी बैच मैंने, मतलब जब से मैंने होश संभाला और टीचिंग करवाई है, उसमें तान्या नाम की लड़की तो जरूर होती है, मतलब ये पता नहीं क्या ही चक्कर है। सो तान्या शर्मा नहीं, सक्सेना, तान्या सक्सेना हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, दैट्स रियली अमेजिंग। शहनवाज, उसके बाद है यहाँ पर तन्वी राय, उसके बाद है प्रथम, अंजलि, काव्या, गौरव, अमेजिंग यार, अदिति, ज्योति, बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, यू रियली गाइज आर अमेजिंग। चिन्मया एंड अमित, कोमल, उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, ऋचा वर्मा, अमेजिंग यार। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से। सॉल्यूशन चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 803 बच्चे हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो गलत बात है, मतलब माता जी का पाप लगेगा, सच्ची बता रहे लाऊ डू लाइक दिस सेशन राइट नाउ and please like it, है ना, that's really amazing and important thing as well। चलो वो आपका दिल बड़ा है कितना वो दिखाता है। तो चलिए solution chapter में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, master जी के direct tick mark लगाएंगे। chapter number हमारा 2 है, solution ये कर लो, बहुत है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो अपनी NCERT की बुक ले लो। कौन कौन है जो NCERT की बुक ले चुका है, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन की सर मैंने NCERT की बुक ले ली। ओपन योर NCERT बुक राइट नाउ, ओपन योर NCERT बुक राइट नाउ, क्योंकि अब मैं जो भी बताने वाला हूं वो आपकी NCERT बुक से डायरेक्ट मार्क करके बताऊंगा, ठीक है। सो और उसके बाद मैं खुशखबरी भी दूंगा तुम लोगों को। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। खोल लिया आप लोगों ने NCERT बुक, खोल ली, दैट्स रियली अमेजिंग। तो चलो कौन कौन है जो NCERT बुक खोल के बैठा है, एकदम तैयार तैयार हो, एकदम छोले भटूरे मत खा लेना उसके ऊपर नहीं कहीं बुक खोल के ऐसे छोले चने रखे हो उसके ऊपर, तैयार हो? चलो तो स्लाइड प्रिपेयर की है गौतम भारद्वाज ने, सो थैंक यू सो मच गौतम भारद्वाज। आज का अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, 2 मिलियन फैमिली तक पहुंचने वाले हैं, 1.8 मिलियन हो चुके हैं, अमेजिंग, 1.8 मिलियन वी हैव क्रॉस्ड। और मेरे प्यारे बच्चों वेदांतु के लॉन्ग टर्म बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, 2021 और 22 के लिए बिग डिस्काउंट, यू हैव 50% डिस्काउंट चल रहा है अप टू 5,000 रुपीज। आप लोग याद रखिएगा ये लिंक है vdantidote.in/ytpro, ये लिंक है और इसमें 50% डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकता है। 5000 आर की क्लासेस, 20 से ज्यादा टीचर्स, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस, हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन, इन एवरीथिंग इज अवेलेबल, फुल एक्सेस मिलता है आपको क्लासेस का यार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेवल से पढ़ाई होती है, मतलब अनबिलीवेबल। सो अगर आप देखोगे 1 मंथ का फीस 5,000 है, लेकिन आपको डिस्काउंट की बात पड़ेगा वो 2,500 रुपए, सो आप 2,500 रुपीज में बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, A Pro कूपन कोड है, लगाओ फटाफट से, धमाका कर दो, 2,500 रुपीज यो, है ना। एंड गाइज अगर आप लोग मंथन बैच ज्वाइन नहीं किया तो भैया मंथन बैच भी तुम्हारा स्वागत कर रहे ला, 50% डिस्काउंट यहाँ पर भी है और ऑसम फैकल्टीज आपको वहां पे भी पढ़ाएंगी। आज के सेशंस की डिटेल है, अगर आप लोगों ने कोई सेशन मिस कर ला है तो फटाफट से देख लेने का, अदरवाइज वो सेशन निकल जाएगा। 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है, लेट्स सी, चलिए चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा पोर्शन है जो आपको नहीं पढ़ना है।
डिलीटेड पोर्शन कौन सा है, बुक खोल के बैठना, आपको पेज वाइज बताऊंगा, ठीक है। डिलीटेड पोर्शन कौन सा है, सबसे पहले तो अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये हटा दिया गया है, बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो जिसको लगता है अब नॉर्मल मोलर मास वाली जो कॉन्सेप्ट हटाई गई है और वेंट हॉफ फैक्टर की जो कॉन्सेप्ट हटा दी गई है, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से बात कर रहा हूं। तो आप लोग याद रखिएगा ये दो टॉपिक जिसको लगता है कि हमें चैन की सांस आ रही है ये दो टॉपिक के बाद, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन के हा थैंक गॉड ये दोनों टॉपिक हट गए। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन जिसको लगता है कि अब नॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर के हटने से मेरे को सांस में सांस आई है। सो है ना, तुम्हें पता है स्कूल में जब बोला, एक स्कूल में क्लासेस होते हिंदी की, उसे बोलते थे कि मुहावरा देंगे और उसको तुम्हें वाक्य में प्रयोग करना है। सो मुहावरा इज मेरी सांस में सांस आई, है ना। और तुम्हें प्रयोग करना था, तो तुम्हें कैसे प्रयोग करना है, सॉल्यूशन चैप्टर में से अब नॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर हट गया तो अब मेरे सांस में सांस आई। सही है, तो तुम्हारे सांस में सांस आई होगी, ऑब्वियसली ये डिलीट हो गया है, ठीक है। सो ये आपको नहीं पढ़ना है, यू डोंट हैव टू रीड इट, ओके, यू डोंट हैव टू स्टडी इट। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, अब हमको क्या पढ़ना है, तो आपको मैं बता देता हूं, ये जितने भी अभी निशान लगवाएंगे आपको वो सारा का सारा आपके बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस पर है। मतलब बहुत सारे पेपर देखे गए हैं, गौतम ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद आपके सामने मैं परोस रहा हूं, तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात, जो बच्चा नया है मैं उसको बता दूंगा यहां पर, मैं आप लोगों को किस वे से बताऊंगा। देखो अगर किसी टॉपिक के ऊपर ऐसा टिक मार्क लगाओ ऐसा वाला, तो इसका मतलब हाईएस्ट चांस है उसके आने के। लेकिन उसके अगर ऐसा टिक मार्क लगाओ तो इसका मतलब 50-50% चांस है। लेकिन अगर उस पर क्रॉस का मार्क लगाओ तो इसका मतलब नॉट नेसेसरी, आप चाहो तो कर लो नहीं तो बल्ले बल्ले। आया समझ में? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं सेशन को। डिस्क्लेमर दे रहे हैं, क्रॉस जहां पर लगा होगा उसका मतलब यह होगा कि इफ यू हैव टाइम देन यू कैन डू इट, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, अगर समय है तो कर लेना। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, यहां पर पेज नंबर लिखा होगा, यूनिट ऐसे शुरू होगी, क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया पेज नंबर 35 पे जो इंट्रोडक्शन दे रखी है उसमें कुछ काम का नहीं है, फालतू में समय खराब मत करना। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 35 में आपको नेक्स्ट पोर्शन दे रखा है, इस सारे बच्चे को पता होता है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो समय खराब मत करना, यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग, क्रॉस लगा हुआ है, इफ यू हैव टाइम देन यू कैन डू इट, अदरवाइज 35 में ये कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन अभी उसके बाद आएगा एक ये वाला पोर्शन, सो इन दिस पोर्शन आप लोगों को टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं जिसमें आपको सॉल्यूट का फेज, सॉल्वेंट का फेज और यहां पर एग्जांपल दे रखे हैं। अब ये जो टेबल है, बेसिकली टेबल ग्राफ ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो इन दैट केस ये टेबल आपको पढ़ के जानी है कि भैया सॉल्यूट अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, जब आपके पास यहां पर लिक्विड वाला जो सीन दिख रहा है आप लोगों को, लिक्विड टू लिक्विड टू लिक्विड, जब आपका सॉल्वेंट लिक्विड में, तो ये तीनों पोर्शन के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? और स्पेशली जब लिक्विड लिक्विड के अंदर मिक्स हो रहा है, लिक्विड टू लिक्विड, ये जो दिख रहा है आप लोगों को बेसिकली सारा चैप्टर इसी के ऊपर है। समझ में आ गया? बाकी तो सब क्या है, टेबल आप लोगों को याद करनी है और ये टेबल आप लोगों काम आएगी, 50-50% चांसेस है जैसे कि वहां पर दिखाई दे रहा है, सो देयर इज अ 50-50% चांसेस, यू हैव टू डू इट, दैट्स इट, ये टेबल आप लोगों को अच्छे से करके जानी है। उसके बाद अपन आते हैं, यहां पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब यहां पर अलग अलग जैसे कि मोलैरिटी होगी, नॉर्मैलिटी होगी, मोल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, और उसके अलावा यहां पर पीपीएम, व्हाटएवर। अब ये चीजें तुम लोग कहां पढ़ लेते हो, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म तुमने 11th क्लास में भी पढ़ी और यहां पर तुम्हें रिपीट करवाई जाती है, क्योंकि आगे जब तुम रोल टू लो पढ़ोगे या फिर तुम लोग यहां पर वो वाली क्या बोलते हो उसको जो तुम्हारी चार टर्म्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं यार, देखो मतलब मैं कितना कमजोर हो गया हूं। सो फाइनली जो आपके आगे रोल टू लो है या फिर आगे ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ओ माय गॉड लुक एट इट, मतलब बूढ़ा हो गया हूं मैं नहीं। सो फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप बार बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करोगे, ठीक है। सो इन दैट केस दीज टर्म्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, ये एक्सप्रेशंस आप लोग पढ़ के जाने हैं, ये 50-50% चांसेस है कि इन पे क्वेश्चन आ भी सकते हैं और क्वेश्चन नहीं भी आ सकते। तो मोलैरिटी मोलैरिटी स्पेशली आप मोलैरिटी और मोलैरिटी पढ़ के जाना, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, इसके अलावा देखो फॉर्मेलिटी आपका इसी चैप्टर का टर्म है तो वो पढ़ के जाना, अदरवाइज ना पीपीएम बीपीएम और इन पे सवाल रेयर केस में आते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जो बाकी टर्म्स है वो आपको पढ़ के जानी है, 50-50% चांसेस है।
जो आपके पेज नंबर कौन से पर है, 36 नंबर पेज पर आपको दे रखा है। फिर 37 नंबर पेज पर आते हैं, 37 नंबर पेज पर भी अगेन आप लोगों को क्या दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही दे रखे हैं, 50-50% चांसेस हैं। और ये आप 11th क्लास में भी कर लेते हो, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो मैंने आपको अभी गिनवाई वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहाँ लिखी हुई है। अब आते हैं अपन यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन आपको स्पेशली काम आता है रोल्ड लो में, और मैं आप लोगों से कहूंगा भैया रोल्ड लो वाला जो मोल फ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसी है जिसमें से सवाल आते हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन करके बहुत बार सवाल आ जाता है। सो दिस 37 नंबर पेज इज एक्चुअली सो मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, दे विल आस्क यू डायरेक्टली एज वेल कि भैया मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम चलते हैं 38 नंबर पेज पे, आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे रखा है। नाउ दिस न्यूमेरिकल इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। अब आप देखो मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन पे यहां टिक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो सवाल है बेसिकली काफी बार पूछा जा चुका है। सो मोल फ्रैक्शन आप सब लोगों को निकालना आना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल करके जाना। उसके अलावा आगे भी एग्जांपल दे रखे हैं, 22.2 जो एग्जांपल है बेसिकली वो भी आप लोग करके जाना है, जिसके अंदर मोलैरिटी के ऊपर यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर सवाल दिए हुए हैं। नाउ ये सवाल में से कोई भी एग्जांपलर पूछा जा सकता है, तो टिक मार्क लगे इसका मतलब क्या भैया इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों के ऊपर सवाल दिया हुआ था। सो नाउ दीज क्वेश्चंस आर जो आपको एग्जांपलर दे रखे हैं, जो क्वेश्चन दे रखे हैं बेसिकली आपको करके जाने हैं। एग्जांपल नंबर 2.3 यू हैव टू डू दैट एज वेल, क्यों करना है क्योंकि इसके अंदर भी आप लोगों को क्या दे रखा है, मोलैलिटी के बारे में पूछा गया है। तो ये न्यूमेरिकल निकाल के लेके जाना, और बेसिकली न्यूमेरिकल बहुत आसान है अगर आप लोगों ने 11th क्लास में ढंग से पढ़ा है। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे आपके पास है ना यहां पर ये जो इंटेक्स दे रखे हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है। और मैं बहुत बार आपको बताता हूं एग्जाम में या तो वो एग्जाम्पलर पूछ लिए गए हैं या फिर इसी में से सवाल निकाल लिया गया है। तो ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के सवाल है आपको करने हैं। फिर आता है सॉल्युबिलिटी, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, पढ़ना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 39 नंबर पेज। उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, इस ये आर्टिकल का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 50-50% चांसेस है, कभी पूछ भी लेते हैं कभी नहीं भी, अपना समय मत खराब करना, छोड़ देना भले ही। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है जरा उसको चेक कर लेते हैं। यहां पर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, नाउ दिस आर्टिकल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीचे वाला, उसके चांसेस बहुत कम है लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां पर बस आपको इफेक्ट पूछ ले आता है कि भैया टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिकल है बेसिकली जो गैस, गैस का लिक्विड में घुलना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, नाउ दिस आर्टिकल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज हेनरी लॉ जो आपका डिफाइन होता है वो इसी के बिहाफ पे डिफाइन होता है। तो ये नीचे वाला जो आर्टिकल है बेसिकली वो पढ़ के जाना, ये 40 नंबर पेज पर मिलेगा। अब 41 नंबर पेज पर एक्चुअली आप लोगों का हेनरी लॉ डिफाइन हो रहा है, तो ये हेनरी लॉ का पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम की चीज पढ़ लेना। कौन सी है काम की चीज, ये काम की चीज है 41 नंबर पेज पर। एक तो एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हेनरी लॉ का ग्राफ बोलते हैं। इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में आपको देखो हेनरी लॉ को डिफाइन करने को बोलेगा। सो इन दैट केस आप लोगों को ये ग्राफ बना रहा है वहां पे, इन दैट केस आपको y एक्सिस के ये जो लिखा y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर लिया है, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया है, और जो ग्राफ है बेसिकली बिल्कुल लीनियर आता है, y = mx के जैसा लाइन आता है, और इसके अलावा आप लोगों को ये फॉर्मूला। नाउ दीज टू थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन होल 41 नंबर पेज। तो मुझसे कोई पूछोगे तो मैं किस पे ध्यान दूंगा, मैं एक ग्राफ करूंगा और यहां पर एक ये न्यूमेरिकल, ये आपको एक इक्वेशन दे रखा है, नाउ दिस इक्वेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग हेनरी इक्वेशन कहते हैं। तो नाउ ये आपको करके जानी है। इसके अलावा फिर आगे वाले पेज पर आप लोगों को काफी ज्यादा वैल्यूज दे रखी है, किसकी, जरा केज की, हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यूज दे रखी है, इसका रट्टा नहीं मारना है लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट निकालना है आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेम्परेचर क्या है, 293, इसमें आप लोगों को केएच की वैल्यू दे रखी है। देखो सेम टेम्परेचर पर केएच की वैल्यू 144, 169, 76, ये कुछ बताती नहीं है खास आपको, ठीक है। सो ये अलग अलग टेम्परेचर पे केएच की वैल्यू दे रखी है, हर एक गैस की केएच की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब केएच का आपको वेरिएशन चेक करना है कि टेम्परेचर के बिहाफ पे वेरिएशन कैसा आ रहा है, बट ये टेबल एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रट्टा नहीं मारना प्लीज आप मत करना, क्योंकि ये चीजें कहीं काम नहीं आती, केएच की वैल्यू आपको डायरेक्टली दी होती है क्वेश्चन के अंदर, बस आप देखना चाहो तो अपने शौक के लिए देख सकते हो, ठीक है, बाकी याद नहीं करनी है। अब आते हैं, अपने पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली आपको आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि भैया आप जब हेनरी लॉ पढ़ के आए हो तो कम से कम उसका प्रैक्टिकलिटी तो देख लो। तो प्रैक्टिकलिटी देखने के लिए 50-50% चांसेस है कि ये एग्जांपलर आ भी सकता है, तो आप कर लेना, दैट्स वेरी इजी, अगेन हेनरी लॉ के ऊपर है। उसके नीचे आर्टिकल दे रखा 42 नंबर पेज पर, एक कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, कतई जहर है, इसको छोड़ देना, सो दिस इज कतई जहर, तो लीव इट, कोई अपने को ज्यादा आर्टिकल पे ध्यान नहीं देना। उसके बाद यहां पर भी ये आर्टिकल फालतू है, 43 नंबर पेज का जो आर्टिकल है वो फालतू है, मत करना,
उसके नीचे आप लोगों को यहां पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके 50-50% चांसेस हैं। यहां पर एग्जाम्पलर के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप टिक मार्क लगाते रहना, फिर मत कहना। उसके बाद आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ यहां से आपका रोल्ड लो का आर्टिकल शुरू होता है। सो ये रोल्ड लो का आर्टिकल है बेसिकली, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर आप लोगों दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ये नहीं करना आपको, छोड़ देना 43 नंबर पेज पर। अब मान लो मैंने यहां सारा करवा रखा है, तो नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, 44 नंबर पेज पे दे रखा है। उसके बाद अपन आते हैं, नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी 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 सुपर स्टारी, यू नो, फंटाबुलसली फंटास्टिकली इंपॉर्टेंट। Now this is fantabulously, fantastically important. Now who will see this? Fantabulously, fantastically important. Okay. Now this is the longest word that I have मैंने बोला है. I have spoke in since last 10 years. You know. So this is fantabulously, fantastically important. Now this is the longest word that I have used in my sessions since last 10 years. So ये graph जो है basically road लोग का बहुत important है भाई साहब. ये ग्राफ सबको आना चाहिए। ये ग्राफ बनाना कैसे है ये मैंने आपको लेक्चर्स में सिखा रखा है। आप रोल्ड लो के मेरे चैनल लेक्चर्स देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब। क्या ही बताऊं मैं, क्या इंपॉर्टेंट, बट मतलब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए। उसके बाद आपको क्या है, जब आपका रोल्ड लो खत्म हो जाएगा, तो यहां पर है ना लास्ट में आपको क्या दे रखा है, ये ना आपका ओसवाल्ड लो से रिलेटेड है ना, रोल्ड लो को रिलेट किया गया, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन गैसेस फॉर्म। ये आप पढ़ के आयो कोई बड़ी, ये डॉल्टन लो है बेसिकली, ओसवाल्ड नहीं, आई एम सो सॉरी, ये डॉल्टन लो है जो कि तुम लोग 11th क्लास में पढ़ लेते हो, ये वही लिखा हुआ है, कोई खास नहीं है, बट ये ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछ ले आते हैं, डॉल्टन लो है। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रोल्ड लो एंड डॉल्टन लो, ठीक है। तो कोई पूछे कि रोल्ड लो डॉल्टन लो में क्या फर्क है, तो जो डॉल्टन था ना बेसिकली वो मोल फ्रैक्शन लेता था गैसियस मॉलिक्यूल्स के, जो हमारा रोल्ड है वो मोल फ्रैक्शन लेता था गैसियस मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड में मौजूद है। So this is really very interesting. तो दोनों में फर्क वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए है, जो रोल लो आप पढ़ के आए हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल दे रखा है। करना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसको करोगे तभी इसकी प्रैक्टिकलिटी समझ पाओगे। तो 50-50% चांसेस है इसके आने के, तो प्लीज कर लेना, 45 नंबर पेज पर है। उसके बाद अपन आते हैं, ये वही वाला सवाल है। ओवरऑल बस आपको बार बार क्या करना है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे दैट मे हेल्प यू अ लॉट, आपको काम देगा। अब हम आते हैं भैया रोल्ड लो का, यहां पर रोल्ड लो एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लो। तो यहां पर है ना हेनरी लो और रोल्ड लो को अटैच करते हुए रोल्ड का सेकेंड केस दिया गया और वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। रोल्ड के टोटल दो केस थे अगर आपको पता हो तो, मतलब उसने क्या किया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया, वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। लेकिन उसका एक दूसरा लॉ भी था, जब आप वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो तब क्या होगा, तो वहां से RLVP निकल के आता है। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। नाउ दिस केस रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, सो इन दैट केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका ग्राफ देखो एज इट इज, जो हेनरी का आता था उसका अगर आप ओवरऑल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो भी सेम सही है। तो फिर आपकी जो फाइनल जो इक्वेशन आती है ना RLVP की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इन दैट केस वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपसे कहता हूं कि सेकंड केस जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आर्टिकल ऐसा है जिसमें से 100% आपको सवाल मिलेगा, दे विल आस्क व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। साफ साफ लिखा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन जिसे डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जीरो होती है, डेल्टा वी मैक्स की वैल्यू जीरो होती है। आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्ड लो को फॉलो करता है उनको आइडियल कहते हैं, जो फॉलो नहीं करता उसको नॉन आइडियल कहते हैं। नाउ नॉन आइडियल के लिए आर्टिकल दे रखा आपको, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछेंगे आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फर्क क्या होता है, जो कि 47 नंबर पेज पर दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दो तरह के, एक तो होते हैं कौन कौन से, पॉजिटिवली डेविएटेड, एक होते हैं नेगेटिवली डेविएटेड। नाउ दीज टू ग्राफ्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, 48 नंबर पेज पर दे रखे। ये आपको पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नीचे आर्टिकल के अंदर आपको उनके एग्जांपल भी दे रखे होंगे। नाउ ये ग्राफ एक्चुअली बनाए जाते हैं रोल्ड लो को रेफरेंस में रखते हुए, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर रोल्ड लो को रेफरेंस में रखते हुए पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड ग्राफ बनाए गए हैं, उसी के बाद इनकी प्रॉपर्टीज को शो ऑफ किया जाता है। एग्जांपल दिया हुआ है, नाउ दिस एग्जांपल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एग्जांपल याद करने की, कौन सा पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए आएगा, कौन सा नेगेटिवली के लिए आएगा। ये नेगेटिव के लिए आएगा, मुझे कैसे पता, क्योंकि यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, सो इट विल शो ऑटोमेटिकली कि यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी अच्छी दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए वेपर प्रेशर कम बनेगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिवली डेविएटेड। तो अगर कोई पूछे नेगेटिवली डेविएटेड एग्जांपल बताओ, सो ये है क्लोरोफॉर्म और ये है कीटोन,
कीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म इज अ नेगेटिवली डेविएटेड एग्जांपल 48 नंबर पेज पर दे रखा है. नाउ विल सी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके बाद. सो अब हम चलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं. लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता हूं नीट का क्रैश कोर्स ले सकते हो. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 8000 रुपए का क्रैश कोर्स है. 20% डिस्काउंट है. ए नीट कूपन कोड है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है भैया. फटाफट से जाओ 8000 रुपए में आपको पूरे कहां कराएंगे नीट का क्रैश कोर्स पूरा का पूरा ए टू जेड. वो बहुत अच्छी फैकल्टीज. जस्ट गो एंड ज्वाइन इट. इसमें नीट का पूरा सिलेबस मिलेगा. पूरा डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं. फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट होते हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स टू वे इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो गाइस 21 दिसंबर से शुरू हुआ है बैच यानी कल से शुरू हुआ है. ए नीट कूपन कोड है जिसमें आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा. सो प्लीज आप लोग ज्वाइन करो जो कि बहुत काम आएगा. अब हम आगे चलते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 49 नंबर पेज से शुरू होती है. सो यहां पर देखो अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. ये छोटा सा आर्टिकल पढ़ो तो चलेगा. ये पिछले से रिलेटेड नहीं पढ़ो तो भी चलेगा. तो यहां पर आप देखो यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या होती है और मोलर मास से कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये वो आर्टिकल है. ठीक है अभी इसको भी पढ़ने की जरूरत है नहीं. तो आप और बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है प्लीज मत करना कोई फायदा नहीं है. तो ये आर्टिकल बेसिकली इंपॉर्टेंट है टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको पढ़ने नहीं है तो आपको पढ़ना क्या है. तो आपको पढ़ना है ये सबसे पहले आरएलवीपी आएगा जिसका फॉर्मूला यहां पर ड्राइव किया हुआ है. उस टाइम पे तो आरएलवीपी का फॉर्मूला वहां ड्राइव नहीं था. यहां पर ड्राइव किया हुआ है कि आरएलवीपी क्या होता है. एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है. दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू मग अप. ये कैसे आया ऊपर उसका पूरा डेरिवेशन दे रखा है. चाहो तो ये कर लेना. ठीक है चाहो नहीं ये करना ही है. इंपॉर्टेंट है समझ में आया. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर वन है. उसके बाद आते हैं हमारे पास देखो आप उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आगे डिफाइन करते हुए यहां पर मोलर मास कैलकुलेशन करेंगे. उसके बारे में बताएगा कुछ नहीं किया. मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को खोल दिया और यहां पर सोल्यूट के मोल्स को नेग्लिजिबल मानते हुए यहां पर ये फॉर्मूले को लिख दिया गया. यहां से आप सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो या सॉल्वेंट का मोलर मास निकाल सकते हो. दैट्स इट. उसके बाद यहां पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है उसी के ऊपर. तो ये न्यूमेरिकल आप करना क्योंकि जितनी प्रैक्टिकलिटी सीखनी है वो न्यूमेरिकल से सीखते हो. उसके बाद आता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट. नाउ दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भैया मुन्ना भैया दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द की. 50 नंबर पेज पर आएगा. ठीक है अब इंपॉर्टेंट क्या है ये ग्राफ. दिस ग्राफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दिस ग्राफ इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू इट. आपको एक ग्राफ करके जाना है. उसके बाद आप लोगों को यहां पर देखो एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सब लोगों को. नाउ दिस फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को ध्यान रखना है. इस फॉर्मूले के बिहार पर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इनटू एम. सबको पता है स्मॉल एम यहां पर मोलालिटी है. समझ में आ गया. और अगर आप स्मॉल एम की वैल्यू रख दो जो कि नीचे दे रखी है तो आपके पास टोटल फॉर्मूला बनके आएगा. ठीक है सो उससे आप मोलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हो. अगर मैं स्मॉल एम की वैल्यू रख दूं तो यहां से मोलर मास की कैलकुलेशन कर सकता हूं. नाउ दिस फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इसका आपको रट्टा नहीं मारना. जिसको डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इनटू एम आता है वो एम की वैल्यू रख देना. वहां से आप मोलर मास निकाल लेना स्मॉल एम. उसके बाद कैपिटल एम निकाल लेना आपके पास आ जाएगा. अब उसके ऊपर प्रैक्टिकलिटी के लिए यहां पर न्यूमेरिकल दे रखा है. नाउ दिस न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट. व्हाई आप ये करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर क्या लिखा है. ठीक है 52 नंबर पेज पर पैरेलली आप लोग एग्जांपल और दिया है आपकी समझ के लिए ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखोगे. तो 2.8 नंबर जो एग्जांपल है नाउ एट द सेम टाइम दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है आपको करना है. उसके बाद आता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. अगेन इस पूरे आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है. ये फर्जी थ्योरी नहीं ये ग्राफ. नाउ दिस ग्राफ रिलेटेड टू रिलेटिव लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट. दिस ग्राफ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन एट द सेम टाइम नीचे नीचे आपको फॉर्मुला दे रखा. नाउ दिस फॉर्मुला इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू एम. तो इंपॉर्टेंट है. चलिए उसके बाद आप लोगों अगेन स्मॉल एम का वैल्यू दे रखा है उसको आप रखोगे. फाइनली आप मोलर मास की कैलकुलेशन आपके सामने करी हुई है. नीचे आप मत भी पढ़ोगे तो भी चलेगा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. बट इतना आपको आर्टिकल क्लैरिटी होनी चाहिए. 53 नंबर पेज उसके बाद आपको ये दे रखा है. ये आपको नहीं करना. प्लीज डू नॉट मग अप दीज. ये कोई काम की नहीं है ग्राफ. मैं बोलता हूं कि टेबल ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन बहुत सारी टेबल जो डेटा सेंट्रिक होती है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है. वो आपके समझ के लिए होती है. अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको काफी चीज डिटेल में उनसे तथ्य निकालने के लिए या कोई चीजें निकालने के लिए कोई प्रूफ करने के लिए मिल जाता है. अदरवाइज रट्टा नहीं मारना है इसको. प्लीज डू नॉट मग अप इट. ओके उसके बाद अपन आगे चलते हैं. न्यूमेरिकल दे रखे हैं. न्यूमेरिकल इटसेल्फ जितने भी एग्जांपलर आपको करके जाने हैं. अगर आपको पास होना है और न्यूमेरिकल देख रहे हो तो न्यूमेरिकल आपको एग्जांपलर के करके जाने हैं. आपको याद रखना है इस बात को भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर. ये आपकी आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. नाउ कॉलिगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ऑस्मोसिस क्या होता है इसको डिटेल में ऑलरेडी लेक्चर्स में करवा चुका हूं. ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. 54 नंबर पेज पर आएगा. ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ के मत जाना. ओवरऑल यहां पर इसका सीन क्या है. इसका सीन ये है कि भैया आप एक्चुअली आप समझो कि वो है क्या. तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर देख लो ना. ये थ्योरी को पढ़ने की क्या जरूरत है. ठीक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है वगैरह वगैरह ब्ला 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 सब बहुत कुछ दे रखा.
डायग्राम याद होना चाहिए, एसपीएमएस सेमी परमियल मेम्ब्रेन बीच में लग रही है, ऑस्मोसिस सिखा देगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सिखा देगा और रिवर्स ऑस्मोसिस भी सिखा देगा। और फाइनली यहां पर एक नीचे फॉर्मुला दे रखा है, कौन सा वाला, नीचे भी नहीं यहां पर दे रखा है, पाई इक्वल्स टू सीआरटी, दैट इज द एक्चुअल फॉर्मुला, पाई इक्वल्स टू सीआरटी, सी की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा, उसके बाद मोलर मास निकाल सकते हो। नाउ ये डेरिवेटिव्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल आते हैं, आया समझ में। आगे यहां पर है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, क्या लिखा, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ दिस लाइन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूरे आर्टिकल में छुपी हुई थी, हमने उसको बाहर निकाला। तो 56 नंबर पेज पर आप लोगों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के डेफिनेशन दे रखे हैं, ये पूछे जाते हैं, उसमें भी पूरा आर्टिकल ध्यान से देखोगे तो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये आर्टिकल इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, 56 नंबर पेज पर है। नाउ दिस एंड दिस टर्म इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जानना, समझ में आ गया, ओ जाना पढ़ के जाना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे जाना, नहीं तो पढ़ के जाना। तो ये ऑस्मोटिक आइसोटोनिक बोलते हैं इसको, आइसोटोनिक हाइपर एंड हाइपो। नाउ दीज थ्री टर्म्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, 56 नंबर पेज पर मिलेंगी, पढ़ लेना भाई, आ गया समझ में। चलो उसके बाद क्या है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, ताकि आप प्रैक्टिकलिटी को समझ सको। नीचे आर्टिकल दे रखा है जो कि नीदर इंपॉर्टेंट नॉर इंपॉर्टेंट, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस दे रखा है, यहां पर आर ओ का क्या कॉन्सेप्ट है वो यहां पर दे रखा है, आपके घरों में लगा रहता है, तो ये आर ओ का कॉन्सेप्ट दे रखा है, पढ़ के जाना, ठीक है। फाइनली अब उसके बाद ये कुछ आपके पास उसको ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एग्जाम्पलर दे रखे हैं, नाउ दीज एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट, कर लेना। उसके बाद अब नॉर्मल मोनोमास नहीं आएगा, हट जाएगा, उसके बाद ये सारे आर्टिकल्स हटा दिए गए हैं, पूरे आर्टिकल हट चुके हैं, बल्ले बल्ले शामा शामा, बहुत बहुत बधाई हो, सारे आर्टिकल हटा दिए गए हैं। इस बात पे जब ये क्रॉस दिख रहा है आप लोगों को, जब तसल्ली हो रही है, तो आप बोलो क्या बोलोगे, बोलो पोखरियाल जी की जय, सारे चैट पे लिखोगे पाप लगेगा, सारे लोग, मैं देख रहा था आज जब पोखरियाल जी बोल रहे थे तो बहुत सारे लोग बेचारे पोखरियाल जी को कुछ भी कह देते हैं, ठीक है बेचारे बूढ़े हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी लिख दोगे। सो आज देखो तुम्हारे पोखरियाल जी ने ध्यान रखा, क्रॉस दिख रहे थे पोखरियाल जी की वजह से ही है, तो आज सारे बच्चे लिखोगे हमारे पोखरियाल जी के लिए स्पेशली लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो कुछ भी बेचारे बोलते हो, बोर करते हो, व्हाटएवर, लेकिन हमारे पोखरियाल जी ने ध्यान रखा, तो सारे बच्चे बोलेंगे पोखरियाल जी की जय, पोखरियाल जी की जय, पोखरियाल जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, थोड़ा और रिड्यूस करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बोर्ड एग्जाम की सिलेबस कम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं पोखरियाल जी की जय। तो बेटा देखो ऐसा अच्छी बात करने के लिए देखो दम होना चाहिए बंदे में, नहीं तो फाइनली पोखरियाल जी को बहुत बहुत बधाई दो, चैट में लिखो मेरे प्यारे बच्चों, गलत बात है ये, तुम है ना संभड़ी से थोड़ा और रिड्यूस कर देंगे तो हम उनको क्या देंगे, और शाबाशी देंगे, नहीं ऐसा वो पोखरियाल जी को बोला और थोड़ा सा और रिड्यूस कर दो, शाबाशी ठाकुर शाबाशी देंगे, नहीं फाइनली दी एंड। यहाँ पर क्या करना था आपको और क्या नहीं करना था, दैट आई हैव टोल्ड यू कि आपको पूरे चैप्टर में क्या करना है और क्या नहीं है ना, ये आप लोग ध्यान रखना है। और पीछे के बैकग्राउंड में ऐसे लग रहा हूं जैसे मैं 007 नहीं जेम्स बॉन्ड, ऐसे कोई पूछे मेरा नाम क्या, ऐसे ना ये वाला यूं करके है ना, ये वाला ऐसे करके यूं, हाँ तणम 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 नहीं तम नड़ंग नड़ंग, क्या नाम है तुम्हारा, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, पीछे का बैकग्राउंड भी ऐसा ही लग रहा है ना, नहीं यूं चलते हुए बॉन्ड जेम्स बॉन्ड नहीं ऐसे करके, ऐसा मैं अपना नाम बोलूं तो क्या नाम है तुम्हारा, अरोरा, अरविंद अरोरा चलो तो फाइनली थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल गाइज आर रियली अमेजिंग एंड आई रियली लव टू टेक द सेशंस विद यू, आप लोग ऐसे आते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना चलो एंड बस हंसते रहो, देखो जिंदगी में हंसना ही सब कुछ है, हंसते रहो, अपने आप पे हंसते रहो, दूसरों पे हंसते रहो। एंड फाइनली सेशन आज का खत्म हो गया है, इसको आप लोग शेयर करोगे, अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक जरूर कर देना, है ना, और मेरे प्यारे बच्चों लाइक करके जाना। एंड फाइनली बहुत बहुत बड़ा डिस्काउंट है भाई, 50% डिस्काउंट है यार, just go and avail it man, 50% discount, are you getting my point, and guys 50% discount up to 5000 rupees aapko discount milega, a pro coupon code hai, jao aur join karo, link description box mein given hai, kahe ka intezar kar rahe ho, and aap neet ka crash course bhi kar sakte ho, join 8000 rupees ka pura crash course hai, a neet coupon code hai, 20% discount yahan par bhi hai 2021 ke point of view se, theek hai, so bahut hi amazing cheeze aapko mil rahi hai, fatafat se bhaiya kya karna hai aapko, kuch nahi karna yaar, aap
आओ ज्वाइन करो, दैट्स इट। एंड हमारा नया जो ऑफिशियल टेलीग्राम का पेज है फिदांतु नीट ऑफिशियल, ज्वाइन नहीं किया तो भैया कर लेना, काम आएगा। एंड फाइनली सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज। तो आज का हमारा ये जो मास्टर जी का टिक मार्क फॉर द सॉल्यूशन इज ओवर। अगले में हम लोग कौन सा करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऐसे सारे चैप्टर खत्म करेंगे, आपको क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। अच्छे खासे एफर्ट लगते हैं। सो इन दैट केस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड डू लाइक द सेशन। एंड अगेन आफ्टर दैट व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन यू कैन डू इट। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद राणा साइनिंग ऑफ, बाय। चिता हिया मिया चिया पिया।